चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड। इसका आंसर तो बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा फिगर बना के समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली। मैं इसको थोड़ा सा सर्किल को थोड़ा बना देता हूँ। ये मैंने बनाया, ठीक है, अर्थ, ठीक है। अब इसमें मैंने ये कहा कि ये जो एक्सिस है, मैं एक्सिस को अलग कलर से बता रहा हूँ, ये जो एक्सिस है, अज्यूम कर लो ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। और दूसरा एक्सिस मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, दूसरा एक्सिस है ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। अब दोनों के बीच का जो एंगल होता है, या कहो तो ये अगर इसको प्लेन के टर्म में अगर आप शो करोगे तो कुछ ऐसा बनाओगे, ये होगा, ठीक है। ये आपका कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन GM, ये जो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं बनाऊं, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन ये कुछ ऐसा होगा, ये होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक MM, करेक्ट है। अब इसको अगर मैं एक और फिगर से बनाना चाहूँ, यही दोनों के बीच का जो एंगल है ना, यही आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन और ये आपका, इसको ज्योग्राफिक कह देते हैं, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, और ये आपका ये जो एक्सिस है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है यही है थीटा, जिसको आप एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है यही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।